कभी कभी ऐसा होता है, एक वीडियो किसी भाई ने सीहोर भेजा और उस सीहोर से वो वीडियो हमारे पास में यहाँ नेपाल आया। उसमें एक छोटा सा बच्चा सोफे पर बैठा हुआ है और कोई उसके यहाँ मेहमान आया होगा, तो उस मेहमान से वो बात कर रहा होगा और बात करते करते उस मेहमान ने उस बच्चे से पूछ लिया, क्या तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो? वो वीडियो बहुत सरल भाषा में, मतलब देसी भाषा में वो वीडियो है, कभी योग लगेगा तो आपको वायरल करेंगे और सुनना उसको। बच्चे देसी भाषा में बात कर रहे, क्या तुम शिव मंदिर जाते हो? बच्चा कहता है हाँ हम अभी तो गए थे शिव मंदिर। अच्छा, शिव जी को जल चढ़ाना आता है? हाँ। वो बच्चे ने शंकर जी को जल चढ़ाने का पूरा क्रम मेहमान को बता दिया कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। एक आश्चर्य वाली बात है। और ये मेरा विश्वास कहता है, आप अपने बच्चे को लेकर मंदिर तक जाओ, शंकर मंदिर तक जाओ, आप एक बार जैसी पूजन करोगे शंकर जी की, वो बच्चा देख लेगा। दूसरी बार आप जान कर गलती करना, वो छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि दादी इधर जल चढ़ाओ, दादी ऐसा करो, दादी वैसा। वो छोटा सा बच्चा बता देगा कि आपको क्या करना है। एक दादी बस एक बार अपने पोते को साथ ले जाए, अगर घर का बुजुर्ग एक बार, माता पिता एक बार अपने बच्चों को ले जाए। और ये बिल्कुल सत्यता है, एक बार बच्चे के सामने मोबाइल में नंबर डायल कर अपना लॉक खोल लो, बस एक बार। तुम अपनी पत्नी को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, तुम अपने माता पिता को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, और तुम्हारा मोबाइल बस एक बार अपने बच्चे के सामने, छोटे से के सामने एक बार खोल लो, दूसरी बार वो खोल कर तुम्हारे हाथ में दे देगा। इतना ज्ञानवान संतान आज के जमाने में, इतनी ज्ञानवान संतान है। लोग कहते हैं लैपटॉप अपने साथ में रखो, हम कहते हैं लल्लन टॉप अपने साथ में रखो। ये जो आपकी औलाद है ये लैपटॉप से कम नहीं है। कभी कभी इतनी ऊंची बात कह जाती है, इतना ऊंचा शब्द कह जाती है कि लोग समझ नहीं पाते।